सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस शाम में परमेश्वर ने हमें दिन भर संभाल के रखा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हो सकता है आपके जीवन में दुख हैं, कलेश हैं, संकट हैं और आप परेशानियों से होकर गुजर रहे हैं और आपको लग रहा है कि हमें कोई मार्ग नहीं दिख रहा है, हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। अपने परेशानियों को लेकर इतना परेशान हो कि आपको कोई मार्ग नहीं दिख रहा है। आप सोच रहे हो कि हमें कोई रास्ता दिखाए, हमें कोई सहायक मिले, हमें इन परेशानियों से निकाले, इन दुखों से निकाले, इन दुष्ट आत्माओं से छुड़ाए, इन बंधनों से हमें छुड़ाए, अंधकार से ज्योति में लेके आए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे समय में एकमात्र परमेश्वर है जिसका वचन आपके पास पहुंचता है, उसका प्रेम आपके पास पहुंचता है और वह आपको बंधनों से, दुखों से निकालता है। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे और वचन में जाने से पहले पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो। भजन संहिता 21 उसकी 2 और 3 आया, तूने उसके मनोरथ को पूरा किया है और उसके मुंह की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया, क्योंकि तू उत्तम आशीषें देता हुआ उससे मिलता है और तू उसके सिर पर कुंदन का मुकुट पहनाता है। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि तूने उसके मनोरथ को पूरा किया है और उसके मुंह की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, उन्हें स्वीकार करता है, उन्हें अस्वीकार नहीं करता और सही समय आने पर हमारी प्रार्थना विनतियों को स्वीकार करके उनका उत्तर देता है। तो यदि आप आज दुख में हैं, परेशानियों में हैं, संकट में हैं, कलेश में हैं, आप परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर से विनती करते रहें, परमेश्वर आपकी प्रार्थना विनतियों को सुनेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करते हैं। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को कभी अनसुना नहीं करते, सही समय आने पर परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देते हैं। परमेश्वर उत्तम आशीषें देता हुआ उससे मिलता है और तू उसके सिर पर कुंदन का मुकुट पहनाता है। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा परमेश्वर हमें उत्तम आशीषें देता है। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हैं, परमेश्वर के वचन पे चलते हैं, परमेश्वर में विश्वास करते, तो परमेश्वर हमें हर चीज़ से आशीषित करता है और परमेश्वर कुंदन का मुकुट हमें पहनाता है। जो परमेश्वर हमें आशीषित करता है और कुंदन के मुकुट को पहनाता है, तो परमेश्वर हमें आनंदित करता है और हमारा आनंद हमारे चेहरों पर नज़र आता है। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है। यदि आज दुख में हैं आप, कमी घटी में हैं, तो परमेश्वर आपकी कमी घटी को पूरा करेंगे। परमेश्वर आपको उस दुख से निकालेंगे जिस दुख में आप पड़े हुए हैं, कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा, बल्कि संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और परमेश्वर आपको उत्तम आशीषों से ब्लेस करेगा। मैं आशा करती हूँ परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने के लिए परमेश्वर आपको बहुत आयस से आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर इस सुंदर शाम में अपनी आँखों को बंद करते हुए परमेश्वर के समीप पाते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। मेरे खुदा, आप महिमा और प्रशंसा के योग्य हैं, आप स्तुति के योग्य हैं। थैंक यू फादर लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर, हमारे जीवन से आप बढ़े और हम घटे, आपका राज्य और आपका काम बढ़े। सच में परमेश्वर, आपने हमें चुना है और हमें बुलाया है। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता।
परमेश्वर हर एक जन के जीवन में आप कार्य करें। आपकी पाक रूह हर एक जन को छुए परमेश्वर, आपकी सामर्थ से भर जाएं। सच में मेरे प्यारे पिता, होने दे मेरे खुदावंद। प्रभु, यदि आज परमेश्वर आपसे प्रार्थना विनती कर रहे हैं और परमेश्वर इनकी प्रार्थना विनतियों को नहीं सुना जा रहा है, मेरे खुदा परमेश्वर आप इन पे दया करें। प्रभु, आप इनकी विनतियों को सुने, आप इनकी प्रार्थनाओं को सुने मेरे प्यारे पिता, और उन्हें परमेश्वर उत्तर दें, क्योंकि परमेश्वर आपने हमसे वादा किया है कि प्यारे पिता, आप हमारी मुंह की विनतियों को अस्वीकार नहीं करते। परमेश्वर, आप हमारी प्रार्थना विनतियों को स्वीकार करते हैं। सही समय आने पर परमेश्वर आप हमारी प्रार्थना विनतियों का उत्तर देते हैं और उत्तम आशीषों से ब्लेस करते हैं। मेरे खुदा, मैं प्रार्थना विनती करती हूँ आज परमेश्वर इन भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर उत्तम आशीषें। मेरे प्यारे पिता, सच में मेरे खुदावंद, परमेश्वर इनकी प्रार्थना विनतियों को सुनकर, इनकी गिड़गिड़ाहट को सुनकर मेरे खुदा आप उत्तर दें। परमेश्वर, यदि आज ये परेशान है, दुख में है, कलेश में है, संकट में है, मेरे खुदा आप इन्हें बाहर निकालें। परमेश्वर, अपनी शांति इन्हें दे, अपना अनुग्रह इन पे कर मेरे खुदा, इनके पापों को क्षमा कर मेरे प्यारे पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्यारे पिता, आपके लोगों को जो भी कमी घटी है उसे आप पूरा करें। प्रभु, आपका वचन कहता है, यहोवा मेरा चरवा है और मुझे किसी बात की घटी ना होगी। सच में मेरे प्यारे पिता, परमेश्वर इन बहन भाइयों पे परमेश्वर दया करें, क्योंकि इनका भरोसा आप पर है। इनकी हर एक कमी घटी को परमेश्वर आप पूरा करें, इनकी परमेश्वर ज़रूरतों को आप पूरा करें। आप हमारे चरवा हो परमेश्वर, आप हमें हरी हरी चराइयों में चराते हो। सच में मेरे खुदावन, प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, जब परमेश्वर प्रभु आपके लोग बहुत ज़्यादा कर्जे में हैं, फाइनेंस प्रॉब्लम उनके साथ है, जिसकी वजह से परमेश्वर भी परेशान हैं, आपसे विनती कर रहे हैं मेरे खुदा, आप उनकी प्रार्थना विनतियों को सुने और परमेश्वर उस प्रॉब्लम से, कर्जे की आत्मा से मेरे खुदा उन्हें बाहर निकालें। प्रभु जी, जितने भी लोग बीमार हैं, दर्द में है, पीड़ा में है, तकलीफ में है, हर एक बीमारी को हम आज्ञा देते हैं, इनके शरीरों को छोड़े और बीमारी निकल जाए यीशु के नाम में, क्योंकि बीमारी हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है। हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर, आपका वचन कहता है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें चंगाई दूँगा। हर प्रकार की दर्द की आत्मा यीशु के नाम में छोड़े और चली जाए। सर्वाइकल की आत्मा यीशु के नाम में छोड़े और निकले इनके जीवन से, हम आज्ञा देते हैं, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। माइग्रेन की समस्या को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। आँखों की समस्या, कानों की समस्या यीशु के नाम में दूर होने पाए। जिन्हें परमेश्वर चलने फिरने में परेशानी है, सही से चल नहीं पाते, परमेश्वर आप उन्हें चंगाई दें, ताकि प्रभु चल फिर के आपके नाम की महिमा करें, आपके कामों को करें। सच में परमेश्वर का वचन कहता है, निश्चय मैंने तेरे रोगों को सह लिया और तेरे दुखों को मैंने उठा लिया है। प्रभु, इस वचन को हम क्लेम करते हैं इन भाई बहनों के जीवन में। और प्यारे पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं आपने परमेश्वर हर एक भाई बहन को चंगा किया, और प्यारे पिता परमेश्वर आपने नाना प्रकार के रोगों को दूर किया है। परमेश्वर, आपने हर एक भाई बहन को चंगाई दे दी, हम विश्वास करते हैं। थैंक यू फादर लॉर्ड। प्रभु जी, आपने मेरे खुदावन दिन भर हमें संभाल के रखा, और प्यारे पिता परमेश्वर, पूरी रात की रक्षा आपके हाथों में सौंपते हैं। सच्ची सुरक्षा हम सभी भाई बहनों के जीवन में मांगते हैं परमेश्वर। जो रात में डरावने सपने आते हैं, जिनसे परमेश्वर बहुत से बहन भाई परेशान हैं, हर डर भय की आत्मा यीशु के नाम में इन्हें छोड़े और चली जाए, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है, मैंने तुम्हें डर या भय की आत्मा नहीं बल्कि सामर्थ की आत्मा दी है। सच में मेरे परमेश्वर, आपकी आत्मा हमारे जीवन में कार्य करे। हर एक डराने वाली आत्मा, भरमाने वाली आत्मा यीशु के नाम में हर एक भाई बहन के जीवन को छोड़े और चली जाए, हम आज्ञा देते हैं यीशु के नाम में, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर लॉर्ड, हालेलुया। हम धन्यवाद करते प्यारे पिता, आपने हमारी प्रार्थना विनतियों को सुना और अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू जीसस।
प्रभु जी एक बार फिर से हर एक भाई बहन को आपके पाक पवित्र हाथों में सौंपते हैं और पूरी रात की रक्षा हिफाजत आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना विनती उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। तया से सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन।